दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज आपको इन्वर्टर वायरिंग के बारे में बताएंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं ये है इसकी डायग्राम। तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो है आपका फेज, यहाँ से आपको आके सब स्विच के जो तीन है यहाँ पे नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं वहां में कनेक्टेड हो जाते हैं, और डिफॉल्ट में आपका दूसरा में भी सेम आपका ये हो जाए कनेक्शन। ये दूसरा रूम है, ये पहला रूम है, ठीक है। उसके बाद में ये तीसरा रूम देख रहे हैं आप इस तरह, इसमें भी आपका एक बल्ब फैन लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक बल्ब और फैन लगा हुआ है, और यहाँ पे भी बल्ब एक फैन लगा हुआ है। दोस्तों ये तीन रूम आपका लगा हुआ है। दोस्तों इसमें हमें कनेक्शन करना होगा, तो डिफॉल्ट में आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपका फेज लगा हुआ है तीनों रूम में, तीन जगह पे रेड कलर का लाइन देख रहे हैं ये फेस गया हुआ है। और न्यूट्रल जो देख रहे हैं आप, न्यूट्रल जो सॉकेट का जो एन यानी कि लेफ्ट साइड होता है उसमें आपका न्यूट्रल होता है, इसमें भी आपका लेफ्ट साइड जो होगा उसमें न्यूट्रल होगा, ठीक। यहाँ से कनेक्ट हो गया आपका भी, यहाँ पे न्यूट्रल आ गया है और यहाँ पे भी न्यूट्रल यहाँ से आ गया है। दोस्तों हम लोग इस पर इन्वर्टर कनेक्शन करेंगे, तो इसको हम लोग समझ लेंगे इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो इन्वर्टर हम लोग लेंगे, जिससे देख रहे हैं आप यहाँ पे ये बैटरी कनेक्शन हो गया है, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्शन कर देना है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे यूपीएस से तीन वायर निकलते हैं, वो आप एक चला जाएगा आपका फेज में और एक चला जाएगा आपका न्यूट्रल में, एक न्यूट्रल में चला जाएगा और एक चला जाएगा आपका अर्थिंग, ठीक है। तीन यहाँ पर कनेक्शन हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ से जो आउटपुट होता है उसके आउटपुट से आपको सिंगल वायर लेना है, राइट साइड से जो सॉकेट होता है उस सॉकेट से आपको, यहाँ पर सॉकेट सॉकेट हो गया, सॉकेट के राइट साइड से हम यहाँ पे सप्लाई लेंगे, यहाँ पे लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो फेज गया हुआ है फेज को हम कट कर लेंगे, तो फेज को कट करने के लिए हम लोग इसको लूप को अनलॉक कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप इसको, यहाँ से जो फेज है इसको कट कर लेंगे हम लोग, यहाँ से इसको कट कर लेना है, यानी कि जो डिफॉल्ट में जो फेज लगा हुआ है उस फेज को हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे, कट कर लिए, सभी को ऐसा करना है, हम लोग को सभी को कट कर लेना है जिसमें हम लोग कनेक्शन देंगे। सभी रूम में फैन और बल्ब चाहिए, तो इसको कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, कट कर लेंगे, कट कर लेंगे। कट करने के बाद में नीचे वाला देख रहे हैं आप, नीचे वाला में भी आपका उसी तरह करना है, इसमें भी हम लोग इसको कट कर लेंगे, फेज को इस स्विच में ही मिल जाएगा, ये स्विच में चला जाएगा। और यहाँ पे दो देख रहे हैं, दो को हम लोग एक साथ में कनेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे ये दो एक साथ में कनेक्शन हो जाएगा, देख रहे हैं आप ये दो एक साथ में कनेक्शन हो गया है। यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अब यहां से जो फेज निकलेगा, जो फेज निकलेगा उस फेज को हम लोग क्या करेंगे, एक वायर ले जाएंगे, हम लोग अलग कलर का यहाँ पे वायर लेंगे, इन्वर्टर का वायरिंग करना है सिंगल वायर, तो सिंगल वायर हम लोग ले लेंगे। यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ से आउटपुट ले लेंगे, राइट साइड से आउटपुट होगा उसको ले जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, यानी कि आउटपुट से जो है इसको हम लोग कट करने के बाद जो फेज इसमें था उसको कट कर दिए बीच से, और इसको ले जाके हम लोग कनेक्ट कर दिए। इसी तरह हर रूम में करना होगा कि फिर हम लोग ले जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे जो ज्वाइंट गए थे यहाँ से हम लोग इसको ले जाएंगे इन्वर्टर का लाइन, और इसको भी उस रूम में ले जाके कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर दिए, और फिर जो आपका पहला रूम हो गया, दूसरा रूम हो गया, तीसरा रूम में ले जाएंगे तो फिर इसी तरह कनेक्शन करना होगा उसमें भी। इस
नेक्स्ट रूम ले ले जाके हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ये कनेक्शन हो गया है जो इसकी आउटपुट से जो निकला है राइट साइड से फेज। देखिए यहाँ पे चार्जिंग के लिए हम लोग सप्लाई इसको दे दिए हैं, कहीं से भी आप सप्लाई लेके इसको चार्जिंग का बोर्ड बना सकते हैं, बोर्ड से आपको इन्वर्टर का चार्जिंग दे देंगे और उसके आउटपुट से जो आपका राइट साइड से जो फेज निकलेगा उसको ले जाकर पहला रूम में आपको कनेक्शन कर देना है। फिर वहां से एक कनेक्शन उठाएंगे आप, फिर दूसरा आपका रूम में कनेक्शन। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है जो मेन लाइन का फेज है और इन्वर्टर का फेज इसको कट कर लेने होंगे, ठीक है। फर्स्ट में भी आपको ऐसे ही करना है, यहाँ पे ये कट कर लेना है क्योंकि एक साथ में अगर फेज लग जाएगी और इन्वर्टर का फेज आपस में लग जाएगा यहाँ पे तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी आप इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो जो स्विच को आप पहले डिसाइड कर लीजिए, फैन लाइट में कनेक्शन करना है, फैन लाइट में कनेक्शन करना है और फैन लाइट में कनेक्शन करना है, तो इस सबको आपको कनेक्शन कट कर देनी होगी। यहाँ से कट करनी है, यहाँ से कट करनी है। कट करने के बाद जो इसमें राइट साइड से जो सप्लाई निकलेगा उसको आपको यहाँ पे वायरिंग करके लगा देना है। सिंगल वायर जाएगा, जितने रूम आपको करना होगा सिंगल वायर जाएगा। और मान लीजिए सिंगल इन्वर्टर है तो आपको 1.5 से आपको वायरिंग करना होगा, अगर ब्रांडेड वायर है तो 1 mm से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर डबल आपका बैटरी है तो वहाँ पे 1.5 2.5 वायर ले सकते हैं, उससे वायरिंग आप कर सकते हैं। तो इसी तरह वायरिंग करना होता है मेन लाइन में जो आप वायरिंग करेंगे इसमें, तो मेन लाइन में इसमें अगर आप इन्वर्टर में दे रहे हैं कनेक्शन यूपीएस में तो यहाँ पे 1.5 आपको वायर देना होगा, ठीक है दोस्तों। बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव आपको देखना है दोस्तों। सबसे पहले आप जब इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं तो बैटरी आपको फिट करना होगा, उसके बाद मेन लाइन को कनेक्शन करना होगा। बहुत लोग क्या करते हैं मेन लाइन पहले इन्वर्टर देते हैं उसके बाद बैटरी लगाते हैं, स्पीड में क्या होता है इसे चार्जिंग सेक्शन में एसीआर है वो उड़ने के चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह इंस्टॉल करना है, इसी तरह इन्वर्टर आप फिटिंग कर सकते हैं। कहीं भी आप तो मैकेनिक बुलाने की जरूरत नहीं है, खुद भी आप कर सकते हैं। इस तरह कुछ करना है कि इसमें आपका जब भी वायरिंग करें तो दोस्तों इसमें कुछ करना है आपको करना है तो आपको इसमें लाइन कट करके मेन लाइन इसमें कट करके ही आप वायरिंग कीजिएगा। मेन लाइन कट करके मेन लाइन देके वायरिंग मत कीजिएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपको सो भी लग सकता है। तो इन्वर्टर जब भी वायरिंग करेंगे तो मेन लाइन को कट कर लीजिएगा और मेन लाइन में जो है वहां से दो आप तीन वायर लेना है, न्यूट्रल फेस और अर्थिंग लेके आपको एक इन्वर्टर का चार्जिंग के लिए एक बोर्ड बनाना है, उसके बाद में इन्वर्टर इंस्टॉल कर लेना है। उसको आउटपुट से जो राइट साइड से जो आउटपुट निकलेगा उसको ले जाके आपको स्विच में कनेक्शन कर देनी है दोस्तों। इसी तरह वायरिंग करना होता है इन्वर्टर का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।